प्रदेश में वोटों की गिनती को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी फिर हिट होती दिख रही है। रुझानों में भाजपा 250 सीटों के पार पहुंच गई है, यानी बहुमत के आंकड़े 202 से काफी ज्यादा हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले उसे 50 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं अखिलेश को 66 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस और बसपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, पर सिराथू में डिप्टी सीएम केशव मौर्या और काशी विश्वनाथ सीट से भाजपा कैंडिडेट नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव रिजल्ट की रुझान बता दें तो भाजपा 272, सपा 120, बसपा 4, कांग्रेस 4 व अन्य पर 3 सीटें हैं। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में 10,000 वोटों से पीछे हैं। वहां भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। यूपी की सबसे हॉट सीट कैराना पर जेल से चुनाव लड़ रहे सपा के नाहिद हसन पीछे चल रहे हैं और भाजपा की मृगांका सिंह आगे चल रही हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट शेयर किया, इम्तिहान बाकी है, हौसलों का वक्त आ गया है, फैसलों का। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटेंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव, गाजीपुर के जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर आगे चल रहे हैं। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, कुंडा से राजा भैया आगे चल रहे हैं। अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश और मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। रामपुर में आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी और वो 1,00,000 वोटों से जीतेंगे, पर अभी वो सपा कैंडिडेट से पीछे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तक खबरदार न्यूज़।